पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। सर अभी एक सादे विधायक धनपति को उतारा गया साउथ समाज के करने के लिए, उनके द्वारा कहा गया था आपको बसादी मिल जाएगा और उसको जगह जगह ले जाकर बोलवाओ कि मेरे बेटे की हत्या हुई तो ऐसा हुआ, उसको सहयोग। मैं भी सब हमारे समाज के लोग कोई 1,000, 2,000, 5,000 गरीब है करके उसको सहयोग दे रहे थे, मैं भी 50,000 का सहयोग दिया हूँ। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में लगातार मतदान जारी है, बता दूं अभी 20 से 25% के बीच मतदान हो चुका है। हमारे साथ महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी कामरेश साहू हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर आप देखने आए हैं किस तरह से माहौल है कांग्रेस का? पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। सुबह 6:30 बजे से लोग लाइन में लग गए थे, गर्मी का दिन है इस कारण से भी, और अभी 11 बजे तक कहीं 30%, 35%, 40%, 45% तक, माने 30 से लेकर 45% तक मतदान हो चुका है कहीं कहीं तक, और अभी भी लाइन लगा हुआ है। तो इससे लगता है कि बहुत अच्छा प्रतिशत जाएगा और रुझान भी अच्छा है। सर अभी एक सादे विधायक धनपति को उतारा गया साउथ समाज को अगर करने के लिए, उनके द्वारा कहा गया था आपको बसादी मिल जाएगा करके, अब आज वोट डल जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा कौन क्या है उसके बाद, अब उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए कि उसके बेटे की हत्या हुई और उसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। मानवीय दृष्टिकोण से मैं इसको उचित नहीं समझता कि किसी के बेटे की हत्या हुई है और उसको जगह जगह ले जाकर बुलवाओ कि मेरे बेटे की हत्या हुई तो ऐसा हुआ, उसको सहयोग। मैं भी सब हमारे समाज के लोग कोई 1,000, 2,000, 5,000 गरीब है करके उसको सहयोग दे रहे थे, मैं भी 50,000 का सहयोग दिया हूँ, तो सहयोग तो दिया हूँ और गृह मंत्री के नाते जो मेरा दायित्व था वो भी मैंने पूरा किया है। लेकिन बीजेपी के लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं वोट की राजनीति के लिए, अच्छी बात नहीं। क्या लगता है सर महासमुंद लोकसभा कितने वोट? अच्छे वोटों से जीतेंगे, बहुत अधिक वोटों से जीते। छत्तीसगढ़ की बात करें ज्यादा सीटें, 23 सीटें, अधिकांश सीटें हम लोग जीत रहे हैं। ये थे महासमुंद प्रत्याशी तामरेश साहू, जिन्होंने कहा कि 11 सीटें जीतेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC24।